Hello, welcome back again to your own channel, No More, Enjoy More. तो जैसे हमने लास्ट रिव्यू किया था ब्लेंडर स्प्राइट का, और उसी में मैंने बोला था कि चलो नेक्स्ट रिव्यू करेंगे ब्लेंडर स्प्राइट रिजर्व कलेक्शन का. तो आज जैसा आपने थंबनेल भी देख लिया होगा, आज हम करने वाले हैं ब्लेंडर स्प्राइट रिजर्व कलेक्शन का रिव्यू. तो निकालते हैं बॉटल थोड़ी देर में, उसके पहले थोड़ा जान लेते हैं कि क्या है इसमें डिफरेंट एज कम्पेयर टू ब्लेंडर स्प्राइट. तो अगेन ये सीग्रम्स बनाती है, विच इज़ यू नो इन इंडिया इट्स ओन बाय पर्नो रिकॉर्ड. और जब पर्नो रिकॉर्ड ने ब्लेंडर स्प्राइट बनाई और उनका इतना बड़ा फैन बेस बन गया, तो उन्होंने सोचा चलो एक लेवल अप किया जाए और इसका एक प्रीमियम वर्जन निकाला जाए. सो इन डिसम्बर 2011 दे केम आउट विद ब्लेंडर स्प्राइट रिजर्व कलेक्शन. इसके मास्टर ब्लेंडर हैं डेविड बॉयड. और जब ये 2011 में दिसंबर में रिलीज़ हुई थी, दैट टाइम इट वाज यू नो वन ऑफ द कॉस्टलीस्ट, और आई शुड से द मोस्ट कॉस्टलीस्ट विस्की इन इट्स रेंज. मतलब अल्ट्रा प्रीमियम में ये सबसे ज़्यादा कॉस्टली थी. अब अगेन इसमें कोई मोलेसेस यूज़ नहीं होता, जैसा ब्लेंडर स्प्राइट का हमने रिव्यू में बताया था कि उसमें कोई मोलेसेस यूज़ नहीं होता. और मैंने कुछ और रिव्यूज़ पहले किए थे जो आपकी नो मोलेसेस विस्की थी. जैसे मुझे कमेंट्स आया तो मैंने नो मोलेसेस पे किया. अब इसमें दो चीज़ें कॉमन है रॉयल स्टैग बैरल सेलेक्ट की. इसमें सोलेरा प्रोसेस यूज़ होता है और कार्टल्स. कार्टल्स कंपनी जो मैंने बताया था यूके की इंटरनेशनल ब्रांडिंग एंड पैकेजिंग कंसल्टेंट कंपनी है, उन्होंने इसकी बॉटल डिज़ाइन करी है. और सोलेरा प्रोसेस क्या होता है वो जानने के लिए आई वुड इंकरेज यू कि आप जाके रॉयल स्टैग बैरल सेलेक्ट का रिव्यू वाला वीडियो देखें. ओके गुड. सो और क्या है, हाँ इसको अगर हम देखें कि इसकी बॉटल कैसी है, ज़रा वो देख लेते हैं. ये हाफ है 375 ml. ये रही इसकी बॉटल, नाइस प्रीमियम लुकिंग बॉटल. इसी को डिज़ाइन किया है कार्टल्स ने. तो प्राइस है इसका 800. आई होप You can see this. नहीं, okay. 800. अगर इसमें नहीं दिख रहा तो शायद इसमें पता चले. Sorry, ये रहा 800. Yeah. सो 800 का हाफ है तो नेचुरली फुल उसका 1600 का हो गया. और जो अपनी ब्लेंडर स्प्राइट है वो पड़ी थी 1469 की, तो 1470 मान लीजिए, तो वही 130 रुपीस एक्स्ट्रा. लेकिन 130 रुपीस में आई एम एक्सपेक्टिंग कि कुछ अच्छा मिलेगा. अब दोनों की बॉटल को एक बार जल्दी से कंपेयर कर लेते हैं. ये तो आपको पता है जैसे खाली हो ही चुकी है, बॉटल की शेप में ज़्यादा फर्क नहीं है. लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें एक कर्व है, ये स्ट्रेट है. दैट्स द आई थिंक दैट्स वन डिफरेंस. दूसरा अगर आप देखें यहाँ पे इसमें एम्बॉसिंग हो रखी है, तो रिजर्व कलेक्शन ऐसे थोड़ा ना उठा हुआ से लिखा है, विच लुक्स यू नो प्रिटी प्रीमियम. बहुत अच्छा लगता है ये चीज़. और इसमें जो है ब्लेंडर स्प्राइट ही बस लिखा है. एक और डिफरेंस आप देख सकते हैं कि ये ब्लैक कलरिंग है इसमें, मतलब ब्लैक पैकेजिंग है इसकी, और इसकी ब्लू है. इसका पूरा पैकेट ही ब्लैक है और इसका ब्लू है. तो ये हुआ डिफरेंस. इसको रख देते हैं, नहीं तो कहीं हाथ से गिर गुरा ना जाए. और जब तक मैं ये रखता हूँ, भाई सब्सक्राइब करो यार, आप सब्सक्राइब ही नहीं कर रहे, सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे, व्यूज़ नहीं आ रहे, मतलब आपको अच्छी नहीं लग रही. अगर अच्छी नहीं लग रही तो कमेंट दो कि क्या करना चाहिए. लोग डिसलाइक करके चले जाते हैं लेकिन कमेंट नहीं लिखते, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे क्या सही करना है या क्या गलत हो रहा है. ओके तो
ये तो हो गई इसकी बातें, इसको इधर रख देते हैं। और अगेन एक जल्दी से छोटा सा पोर करता हूं मैं। छोटा मतलब इस बार छोटा ही रखेंगे। ओ मैं तो बोलना भूल ही गया भाई, जब तक मैं पोर कर रहा था आप सब्सक्राइब कर लेते। कोई नहीं, अभी कर लो, कौन सी देर हुई, अपना ही चैनल है। चलिए तो कलर वही ब्लेंडर स्प्राइट जैसा है, गोल्डन। बॉडी इसकी भी मुझे लग रही है फुल बॉडी है। पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कि ये क्रीमी भी होगी। आई होप इसमें लाइंस दिख रही हैं आपको। एक्चुअली कैमरा मेरे फेस पे, यू नो इट्स डिटेक्टिंग माय फेस एंड इट्स नॉट फोकसिंग इट, बट चलो इसका भी कुछ जुगाड़ करेंगे। तो ये है ब्लेंडर स्प्राइट रिजर्व कलेक्शन। अब आ जाते हैं नोजिंग में जल्दी से। ओके बहुत लाइट है। फ्रूटी नोट्स मतलब वो पीचेस चेरी वैसा, हल्का सा स्मोक आ रहा है इसमें, वेरी लिटिल दो लिटिल स्मोकीनेस, और आई शुड से लाइट स्मोकीनेस। ओके और क्या, वनीला। अभी मुझे वनीला का भी टेस्ट आया, तो वनीला आइसक्रीम का जैसा हल्का सा टेस्ट नहीं सॉरी स्मेल आ रही है, तो अच्छा लगेगा। आई एम एक्सपेक्टिंग अ लॉट फ्रॉम दिस विस्की, इवन दो आई हैव हैड इट, आधी बॉटल से ज़्यादा ही ख़त्म कर चुका हूँ, लेकिन उसके बाद भी मैंने दूसरी विस्कीज पी थी आप लोगों के लिए रिव्यू करना था, तो टेस्ट मुझे उतना याद नहीं है, बट आई एम एक्सपेक्टिंग कि ब्लेंडर से थोड़ा अच्छा होगा। ओके तो चलिए मैं करता हूँ इसकी टेस्टिंग और बताता हूँ आपको कि टेस्ट में कैसी लगती है। चीयर्स। ओके टेस्टिंग में बिल्कुल अलग है नोजिंग से। थोड़ी सी स्पाइसीनेस आई है, ग्रेन स्पिरिट या ग्रेन मॉल्ट जो इसमें मिला है, इंडियन ग्रेन स्पिरिट सॉरी जो इसमें मिला है, उसका वो टेस्ट आ रहा है। यंग विस्की जैसी होती है, अगर आपने रेड लेबल और ब्लैक लेबल अगर यू नो साइड बाय साइड रखेंगे तो आपको समझ लगेगा कि रेड लेबल थोड़ी सी स्ट्रांग लगती है और ये ब्लैक लेबल स्मूथ, और यंग विस्की जैसा जो टेस्ट आता है वो आ रहा है इसमें। स्मोकीनेस तो मैंने बताया ही था कि नोजिंग में भी आया स्मोकीनेस और टेस्ट में भी स्मोकीनेस आ रहा है। पानी भी मिला के देख लेते हैं एक बार, और चलो अब बोल लेता हूँ, जब तक मैं पानी मिला रहा हूँ भाई नीचे बटन आ रहा होगा रेड बटन यहाँ या यहाँ, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। और जैसे लास्ट रिव्यू तो मैंने कर ही दिया था इसका ब्लेंडर स्प्राइट का, अगर आपने नहीं देखा है तो वो मैं या तो कार्ड्स में डाल दूंगा या एंड स्क्रीन में डाल दूंगा। और हमने जो रॉकफोर्ड रिजर्व का किया था, 100 पाइपर्स का किया था, तो अभी मेरे को लग रहा है एक ना वो सीरीज चल रही है क्या बोलते हैं नो मोलेसिस विस्की की, दो ये स्कॉच नहीं है बट इसमें स्कॉच मॉल्ट्स मिले हैं। डेविड बॉयड मैंने आपको बता ही दिया इसके मास्टर ब्लेंडर हैं, और क्या है, और हाँ जो मैंने बोला था कि आपका रॉयल स्टैग बैरल सेलेक्ट के जो दो प्रोसेस हैं सोलेरा प्रोसेस और कार्टेल्स के बारे में बता दिया। सोलेरा अगर आपको जानना है तो प्लीज़ वो जाके वीडियो एक बार देख लीजिए। गुड तो ये है, अभी एक बार पानी के साथ भी टेस्ट करके देख लेते हैं कैसी लग रही है।
वही होता है पानी मिलाने से, क्योंकि थोड़ी डाइल्यूट ज़्यादा हो जाती है विस्की अपनी, तो लाइट हो जाती है। ये पहले से ही लाइट है, स्मूथ है, जैसे मैंने आपको बोला ब्लेंडर स्प्राइट से तो और ज़्यादा स्मूथ है ये। तो अभी भी वैसी हो गई है, स्मूथ हो गई है, थोड़े फ्रूटी नोट्स आ रहे हैं पर वो वैसे नहीं हैं पीची या पीचेस या चेरीज के, दूसरे ही टाइप के हैं। अच्छी लगी यार मेरे को तो, सही में मेरी ये वन ऑफ द फेवरेट है। मैं जब गया था लेने के लिए तो आप सोच रहे होंगे ये हाफ क्यों लेके आया, फुल कहाँ है। फुल इसलिए नहीं मिली क्योंकि एक भाई साहब आए थे, उन्होंने पूरा काठ भर के, मतलब कम से कम नहीं तो 20-25 बोतल जितनी रखी थी रैक्स में सारी उठा के चले गए। क्या कर सकते हैं भाई, सबका अपना अपना चॉइस। तो चलो यही है आज के लिए, देखो वीडियो और प्लीज़ बताओ कैसी लगी आपको वीडियो, कोई सजेशंस हैं तो प्लीज़ वो बताओ। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू में। नेक्स्ट रिव्यू में प्लान कर रहा हूँ अगेन स्कॉच का, बता दूँ नाम या नहीं यार, देखो वीडियो देखो। ठीक है चलो, चीयर्स, ज़्यादा नहीं पीना, ड्रिंक रिस्पॉन्सिबली, हैव फन, टेक केयर, बी सेफ, बाय बाय गाइस, गुड नाइट।